नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज का अंक विशेष है। सबसे अधिक पूछे जाने वाला प्रश्न है, ईशान कोण में शौचालय हो जाए तो क्या करें, ईशान कोण में बाथरूम हो जाए तो क्या उपाय हैं, सेप्टिक टैंक ईशान कोण में बन गया अब क्या करें, इसके क्या उपाय हैं। तो आज हम एक एक करके सबकी बात करेंगे, इसके क्या दोष लगते हैं और इनके क्या उपाय करने से आप इन दोषों से बच सकते हैं। कोई भी व्यक्ति घर बनाते हैं तो उनकी एक ही मोटो होती है कि हमें सुख चाहिए, घर में शांति चाहिए, निश्चिंता का बोध होता है, उन्हें विश्राम करना होता है, वो घर बनाते हैं। लेकिन आपकी छोटी सी गलती के कारण, आपके लाख प्रयास और परिश्रम के बाद आप घर बनाते हैं लेकिन एक गलती के कारण आपको नुकसान होता है, कार्य में बाधा उत्पन्न होती है और असफलता आने लगती है। ये सारी चीज़ें यदि हो रही है तो इसका एक अर्थ है कि घर में कहीं ना कहीं वास्तु दोष है। यदि आपने ईशान कोण होता कहाँ है, सबसे पहले ये जान लें, आपके पूर्व दिशा, ये आपका पूर्व दिशा है, ये उत्तर दिशा है। पूर्व और उत्तर का जो कॉर्नर होता है इसे हम ईशान कोण कहते हैं या जल तत्व कहते हैं। ये स्थान किनका है, ये भगवान भोलेनाथ का स्थान माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ का ही एक नाम ईशान है, जिसके कारण इस कॉर्नर का नाम ईशान पड़ा। ये अत्यंत जो शास्त्र के अनुसार कहा गया है कि ये सबसे पवित्र स्थान होता है, आपके पूरे घर में सबसे पवित्र स्थान है आपका ईशान कोण का। और ईशान कोण में दोष उत्पन्न होना अर्थात बहुत बड़ा दोष माना जाता है, खास करके जब इस स्थान पे कोई शौचालय का निर्माण कर देता है, सेप्टिक टैंक का निर्माण कर देता है, तो ये बड़ा दोष हो जाता है। ये देवताओं का स्थान है, ये आपके आध्यात्मिक शक्ति का स्थान है। उत्तर दिशा क्या किया, उत्तर दिशा जो है भगवान कुबेर का स्थान माना गया है। अतः इस दिशा को साफ सुथरा, इतने उत्तर दिशा और ईशान कोण को साफ सुथरा और क्लियर रखना अति आवश्यक है। ये पवित्र स्थान है, भगवान शिव का स्थान माना जाता है, ये ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, शक्ति का केंद्र माना जाता है। अब आइए जानते हैं कि दोष उत्पन्न होने पर क्या क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है, उसके बाद हम बात करेंगे इनके बचने के कुछ उपाय के विषय में। तो सबसे पहले देखिए, यदि यहाँ पर शौचालय है या सेप्टिक टैंक बना है तो ये आपको सबसे बड़ा, ये दो चीज़ें सबसे बड़ी अधिक दोष यहाँ पर उत्पन्न करती है। सेप्टिक टैंक तो आपके यहाँ आर्थिक समस्या आनी शुरू हो जाएगी, आर्थिक रूप से समस्या, मतलब धन का खर्च अधिक होगा, आगमन भी होगा तो आगमन सही तरीके से नहीं होगा, परिश्रम अधिक होगा, धन की हानि होगी, इन चीज़ों की। ये जल तत्व का जगह है, ये जल तत्व का जगह है आध्यात्मिक जगत, यहाँ आध्यात्मिक हानि होने का भी नुकसान होता है। मतलब यदि आपके घर में पढ़ाई लिखाई करने वाले कुछ बच्चे हैं या वो आध्यात्मिक रुचि रखने वाले, कुछ ऐसा काम करने वाले, मानसिक रूप से जो कार्य करते हैं उनका विचलन होना शुरू हो जाएगा, मतलब वो सही तरीके से कार्य नहीं कर सकेंगे, पढ़ाई नहीं कर सकेंगे, मन नहीं लगेगा, अस्थिरता होगा, इन सब चीज़ों को यहाँ पर देखना शुरू कर देता है ईशान कोण का। यदि दोष उत्पन्न होता है, आपके यहाँ विवाह योग्य लड़के हैं लड़कियां हैं, विवाह में देरी होना, आप पूजा पाठ करते हैं, मन से करते हैं, संतुलित अवस्था में करते हैं, लेकिन इस स्थान पर दोष है तो आपकी पूजा का सही तरीके से आपको फल नहीं मिलता है, आपकी उन्नति रुक सी जाती है, सुख समाप्त हो जाता है, चिंता और शोक में डूबे रहते हैं, विभिन्न तरह की समस्या होती है स्वास्थ्य संबंधी, खास करके महिलाओं में ये देखी जाती है। एक तरह से बोला जाता है ईशान कोण में सेप्टिक टैंक और शौचालय होने से जीवन में बड़ा नुकसान होता है, एक तबाही सी ला जाती है। बहुत अधिक डरने की आवश्यकता नहीं है, इसके कुछ हम उपाय कर सकते हैं, बिल्कुल इजी वे में कर सकते हैं। हाँ, उपाय जानने से पहले एक चीज़ स्पष्ट कर लें कि उपाय से इसमें इसके दोष में कमी उत्पन्न होती है, इसके दोष पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होते। कोई भी उपाय, कोई भी वास्तुशास्त्री ये कहते हैं कि ये ठीक हो जाएगा, ये कर लें तो ये नहीं होगा। हाँ, इसमें जो दोष उत्पन्न हो रहे हैं, आपको जो नुकसान हो रहा है उसमें कमी अवश्य आएगी, कुछ ना कुछ शांति अवश्य मिलेगी। तो ये कुछ उपाय की हम बात कर लें। सबसे पहला बात कि यदि यहाँ पर आपने शौचालय बाथरूम का निर्माण कर दिया तो सबसे पहला प्रयास करना है कि शौचालय को यहाँ बंद कर दें, शौचालय को बंद कर दें, अर्थात इस कॉर्नर में बने हुए शौचालय को आपको यूज नहीं करना है। बाथरूम है कोई बात नहीं, आप बाथरूम का यूज कीजिए। यदि आपके पास दो शौचालय है, अन्य शौचालय किसी अन्य दिशा में बना हुआ है तो आप उसे यूज करें, इसको बंद कर दें, पहला उपाय। यदि संभव नहीं हो, एक ही शौचालय है घर में बना हुआ और ये संभव ही नहीं है कि इसे बंद नहीं किया जाए, या सेप्टिक टैंक बना हुआ है, सेप्टिक टैंक बना हुआ है तो सेप्टिक टैंक के जो ढक्कन है उसे आप ग्रीन कलर से रंग सकते हैं, कुछ दोष यहाँ पर कम होंगे, समाप्त नहीं होंगे।
यहाँ शौचालय बना हुआ है बंद नहीं कर सकते, आपको एक दर्पण इस प्रकार से लगाना है कि रिफ्लेक्शन, मतलब इस प्रकार से रिफ्लेक्शन हो कि ये वाली दिशा जो है चेंज हो जाए, अलग दिशा में दिखे, इस प्रकार से आपको दर्पण लगाना है कि यहाँ से रिफ्लेक्शन हो। दूसरा उपाय करना है कि ईशान कोण में यदि आपके पास जगह है तो यहाँ पर आपको एक जल का स्रोत बना देना है। किस प्रकार का स्रोत बना सकते हैं, हो सकता है कि आपने यहाँ पर मान लीजिए शौचालय बना के रखा है, आपके पास थोड़ा इधर जगह हो सकता है, पूर्व में जगह हो सकता है, या यहाँ पूर्व में जगह नहीं होती, इस स्थान पर जगह हो तो आपको एक जल का आप कृत्रिम पात्र भी रख सकते हैं, जिसमें हमेशा जल भर के रखें, शुद्ध और साफ जल भर के रखें। उसमें कुछ फूल छोड़ पुष्प छोड़ सकते हैं, सुगंधित इत्र या सेंट इत्यादि का प्रयोग उसमें आप कर सकते हैं। एक जल का पात्र रखें, इससे बहुत हद तक इसके दोष को समाप्त मतलब कम करेगा। आप जल का पात्र एक टैंक बना सकते हैं, यदि आपके पास बहुत अधिक जगह है तो एक पक्की का टैंक बना लीजिए, उसमें हमेशा जल भर के रखिए। ये क्या होगा कि इसके दोष को खत्म करने का प्रयास ये जल का टैंक करेगा, क्योंकि ये जल का स्थान है। आपने यहाँ जल परमानेंटली अगर किसी बड़े पात्र में रख दिया है, बड़े टैंक में, तो इसके दोष को संतुलित करने का वो प्रयास करेगा। तो जल रखना एक अच्छी चीज़ है, रख सकते। आपके अगर छोटा सा घर है तो आप एक्वेरियम रख सकते हैं, इस स्थान पर एक्वेरियम रखिए, उससे इसके दोष में शांति मिलेगी। उसके अलावा आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं कि समुद्री नमक, या जिसे कहते हैं आप शुद्ध नमक, समुद्री नमक, इस नमक का प्रयोग करें। एक नन मतलब जिस ऐसे पात्र में जो रिएक्शन न करे, जैसे कांच का पात्र में, अब उस नमक को रखें शौचालय में और उसे वीकली उसे चेंज करते रहें, उसे उस नमक को पुनः उसी में आपको दे देना है, धो के शौचालय के उसमें आपको दे देना है, उस नमक को बाहर ना फेंकें, वो हर सप्ते आप उसे चेंज करते हैं। ये कर सकते हैं, कपूर का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ का वातावरण में थोड़ा सुगंधित हो, कपूर का प्रयोग करिए, अन्य सुगंधित चीज़ों का इस कॉर्नर पर प्रयोग करें। शौचालय का यदि कोई डोर जहाँ भी बनाओ, इस दिशा में हो सकता है, इस दिशा में हो सकता है, जहाँ भी, इस डोर को हमेशा क्लोज रखें। जिस समय यूज किया ठीक है, उसके बाद इस डोर को आप क्लोज रख सकते हैं। तो कई एक उपाय हैं, फिटकरी से संबंधित कुछ उपाय कर सकते हैं। ये भी यहाँ की निगेटिविटी जो उत्पन्न करेगी ये दोष, इसके दोष को समाप्त करने का कार्य फिटकरी करेगा। तो फिटकरी आप रखें, फिटकरी ऐसे सभी लोग वास्तु दोष के लिए रखते हैं, ये बहुत उपयोगी चीज़ है। तो फिटकरी एक पात्र में आप शौचालय में रखें और इसे समय समय पर आप प्रयास करें कि इसे चेंज करते रहें। साथ में आपका हो सकता है शौचालय हो, मुख्य द्वार किसी भी दिशा में हो, तो मुख्य द्वार पर एक बड़ा सा स्वास्तिक बनावे दोनों तरफ, ये भी अपने आप में वास्तु दोष को समाप्त करने वाला होता है। घर में तुलसी का पौधा रखना, ये भी यहाँ के दोष को समाप्त करने का प्रयास करेगा। 100% खत्म नहीं करेगा, लेकिन दोष को कम अवश्य करेगा। और तो और यदि शौचालय इस प्रकार से है, तो शौचालय का जो सीट होता है, सीट यहाँ पर हो सकता है कुछ इस प्रकार से हो, तो इसका एक उपाय बताया गया है वास्तुशास्त्र निकलते कि शौचालय सीट के चारों तरफ इस प्रकार से 2 इंच चौड़ी आप एक ग्रीन कलर का पेंट ले लें, एक पेंट से इस प्रकार से एक पट्टी नुमा इस प्रकार से बना दें, या हो सकता है कि मार्केट में कोई स्टिकर आपको मिल जाए ग्रीन कलर का, जो कि वाटर के कारण डिजॉल्व ना हो, खराब ना हो, तो उसे इसके फर्श में चिपका लेती, ये भी यहाँ के वास्तु दोष को कम करता है। तो कई एक उपाय हैं जो आप अपना सकते हैं, लेकिन सबसे अधिक अच्छा है कि यहाँ के शौचालय को बंद कर दिया जाए, वो सबसे अधिक उपयुक्त माना जाएगा। सेप्टिक टैंक का यूज ना करें यदि आपके पास जगह है तो, जगह नहीं है तो समस्या तो है, तो यहाँ पर आपको एक ही है कि कुछ उपाय करें। और साफ सफाई आप यहाँ बिल्कुल साफ सफाई बनाए रखें, इस स्थान पर क्लीन रखें, यहाँ के द्वार बंद रखें कि निगेटिव ऊर्जा घर में फैलने नहीं पावे। तो ये थी आज के अंक में, मिलते हैं अगले अंक में, पुनः हम बात करेंगे। धन्यवाद।